कोरोना संकट के बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन मोहित बघेल का 27 साल की उम्र में निधन हो गया। मोहित बघेल लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। उनके निधन की जानकारी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के निर्देशक राज शांडिल्य ने ट्वीट के जरिए दी। सलमान खान और आसिन के साथ मोहित फिल्म रेड्डी में नजर आ चुके हैं। फिल्म में मोहित ने छोटे अमर चौधरी का किरदार निभाया था। वही साल 2019 में मोहित परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म जबरिया जोड़ी में भी नजर आ चुके हैं। कड़ी मेहनत और लगन से मोहित ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। मोहित बघेल के निधन से ब्रजवासियों में शोक की लहर है। यूपी के छोटे से शहर मथुरा से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपने टैलेंट के जरिए धमाल मचाने वाले हास्य कलाकार मोहित बघेल की मौत से पूरा शहर दुखी है। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। हर कोई मोहित बघेल को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहा है। कैंसर पीड़ित मोहित का इलाज नोएडा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मथुरा स्थित अपने घर पर ही थे। मोहित बघेल का जन्म 7 जून 1993 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने स्कूली दिनों में डिबेट्स और नाटकों में खूब पार्टिसिपेट किया था। मोहित बघेल ने कॉमेडी शो छोटे मियां के साथ शोबिज में अपने करियर की शुरुआत की थी। लोकमत न्यूज की तरफ से मोहित बघेल को विनम्र श्रद्धांजलि। तेरी ये मदद साले, मैं तुझे नहीं छोडूंगा। अबे भागता क्या है? रुक। बैडमैन। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार, लात मार। तो गुड बॉय बनेगा। बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर्स की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अब बाल काटे जा रहे हैं, खतरा नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने, पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है एडवोकेट कोशपाल। आज हमारी साथ जो बैठने वाले उठने वाले इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में क्या कहना मोहित बघेल जी के? देखिए मोहित बघेल जी इस मथुरा और ब्रज के बहुत ही उभरते हुए सितारे, जो आगे अपनी मेहनत से बढ़ते हुए आगे कई प्रोजेक्टों को कई फिल्मों में दिखाई दी और आने वाली कई फिल्मों में भी दिखाई देने वाले थे, मगर ठाकुर जी के आगे किसकी चलती है, उनको कैंसर होने के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती रही और उन्होंने आखिरी वक्त तक अपने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते रहे कि मैं लड़ूंगा, इससे जीतूंगा, अपने घर वालों पारिवारिक जनों से कहते रहे कि मैं इससे जीतूंगा, मगर क्या करें, इस रोग के आगे कुछ नहीं और इस लॉकडाउन की वजह से उनको प्रॉपर नियति में इलाज ना मिलने की वजह से उनको भर्ती नहीं किया गया, उस वजह से भी
उनकी मृत्यु हुई है। क्या क्या कहना चाहते हैं इसमें, किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसमें? कहीं हद तक अस्पताल प्रशासन ने अति की भी, जो उनको एडमिट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट एड मिलता, कुछ तो उपचार मिलता जिससे वो रिकवर करते, या उनको आगे कहीं भेजा जाता या कोई उनकी व्यवस्था की, मगर ऐसा ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और एक महान कलाकार जो ब्रज का बहुत नाम रोशन